सहस्त्राब्दियों से आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। प्रकृति के इस पूजन से मनुष्यता अंगराई लेती हुई और अपनी आंखें मलती हुई जाग उठती हैं। ज्यादातर लोग शायद ही प्रकृति की उपासना करने के बारे में सोचते होंगे। प्रकृति की अबुझ और बेकाबू शक्तियों से मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन दुनिया के उस छोर से इस छोर तक जहां भी आदिवासी समाज है, प्रकृति की अमोघ शक्ति से वही परिचित हैं। चाहे पेड़ पौधे हों या खेत में अंकुरित होने वाले बीज, झारखंड का आदिवासी समाज अकाल और महामारी से मुक्ति के लिए समग्र समाज के लिए प्रार्थना करता है। चाहे नृत्य हो या हजारों साल से चली आ रही इनके पारंपरिक गीत। यूं तो कर्मा पूजा में अभी 20 दिन शेष हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार जमशेदपुर बालीगुमा कर्म अखाड़ा कमेटी बालीगुमा की तरफ से बीती शाम कर्म पूजा का आयोजन किया गया। बालीगुमा सुखना बस्ती में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक कर्म पर्व का आयोजन किया गया। 9 दिनों तक 18 युवतियों ने उपवास कर जावा पताया था, यानी बीजों को अंकुरित करने की प्रक्रिया। सबसे पहले करम डाली को करम अखाड़ा में गाड़ा गया। शाम को पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शाम को पारंपरिक करम गीतों पर नृत्य किया, जिसमें बालीगुमा समेत 10 नृत्य टीमों ने भाग लिया। आयोजन कमेटी ने बताया कि झारखंडी कैलेंडर के अनुसार करम पर्व आज ही था। वर्षों से भाद्र महीने में ही करम मनाया जाता है, लेकिन बांग्ला और हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस बार करम आश, इसलिए उन्होंने अपनी संस्कृति के अनुसार करम मनाया। इस करम जो पर्व है, ऐसे इसमें आप लोग देखिएगा कि जो बीजों का, जो बीज का जो अंकुरित किया जाता है, उसके बाद जो 9 दिन 7 दिन 5 दिन का बाद जो बीज अंकुरित होते हैं, उसको आखिरी दिन में जो अंतिम दिन होता है उसमें उसका अंकुरित को रख के उसका टेस्ट होता है, पूजा अर्चना होता है। पूजा के माध्यम से एक देखा जाता है कि भाई कौन बीज सही है कौन नहीं है। तो ये बरसों से परंपरा हम लोग को चली आ रही है और इसी परंपरा को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद जो ये बीजों का होता है, उसके बाद जो यहाँ के बच्चियाँ कर्म करती हैं, कर्म में जो लोग रहते हैं भाग लेते हैं, उसमें अपने पारंपरिक नृत्य का गाना का अपने से, जो आजकल जो आर्टिफिशियल के ज़माने में आ गया है कि डीजे बजता है, बॉक्स बजता है, माइक बजता है, ऐसा ना करके लोग जो है यहाँ पे अपने मादर के थाप पर बच्चियाँ, महिलाएं, पुरुष एक साथ में गाते हैं, बजाते हैं और वो अपने पर्व का हर्षोल्लास से मनाते हैं। और इसी तरीके से हम लोग बालीगुमा सुखना बस्ती में भी मनाएं, जिसमें लगभग 10 यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के टीमों ने भाग लिया और अपने पारंपरिक नृत्य अपने पारंपरिक गीतों के साथ किया। करम मुख्य रूप से बीजों को संरक्षण की जांच का पर्व है। यदि 9 दिन से पर्व प्रारंभ किया जाता है तो 9 तरह के बीजों को अंकुरित किया जाता है। 5 दिनों से प्रारंभ करने से 5 तरह के बीज और 3 दिनों से प्रारंभ करने से 3 तरह के बीजों को अंकुरित किया जाता है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TNT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।